ये जो तस्वीर है मारूफ शख्सियत की तस्वीर है, और अल्लाह रहम करे, अल्लाह ऐसी कौम को जो है हिदायत दे और जादूगरों को हलाक को बर्बाद कर दे। ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आपके सामने जो है एक कब्रिस्तान में मिला था ये सामान, और एक भाई ने निकाल कर लाए। इसको इंशाल्लाह डिस्ट्रॉय करेंगे हम। अल्लाह जो है अपने कुदरत पे बहुत ताकत रखने वाला है। जादूगर कितने भी मकर करो, लेकिन अल्लाह का अल्लाह का मकर, अल्लाह की प्लानिंग सबसे बड़ी बेहतरीन प्लानिंग है। इंशाल्लाह इसको खोल रहे हैं हम लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات خلق ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. देखिए ये पैकिंग में धागे पूरे लपटे हुए हैं, और ये प्लास्टिक पूरा लपटा हुआ था ताकि पानी से ना भीगे, जादू ख़राब ना हो। कब्रिस्तान में जो है रखा गया था जादू भी, और इसको इंशाल्लाह खोल रहे हैं। बिस्मिल्लाह में शर माँ शरीफ़रफ़त ओमी शरी नफ़ात फ़रफ़त ओमी शरी नफ़ात फ़रफ़त ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووحينا إلى موسى في العصا فإذا هي تلقف ما يفكون ووقع الحق وبدل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قوة إلا بالله. ये देखिए पूरे भरे हुए झाड़ को, बस ये झाड़ का देखा था। ये पोटलियां कहीं के होंगे? ये पोटलियां किताबा किताबा होंगे कुछ पढ़ने के लिए। आसन रखी हाफिज साहब सुखड़ा दो अलग सुखा दो। देखो ये भी अलग हो गया माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत से। देखिए सर हम कितने बड़े हो, ये भरावा ये नाखून क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ पे हाफिज़ा इसमें क्या है? खाली कवर है क्या है ना कुछ? ये तो फोन की पकड़ो वो वो निकालो। ये पूरे वो है
ये जो है ना अलग अलग तरीके से वो अरबी में लिखे हुए हैं। इसका फ़र्क ख़त्म शरीफ सवाला बिस्मिल्लाह पढ़ लिए तो ऐसा होता है लिखे हुए में कुछ असर करता है ये 100%। कभी एक बार आओ मरकज में हमारे पास जी इंशाल्लाह। छुरी यहाँ क्या करने आप बकरे से भाग रहे हो इस्तेमाल कुछ लिए होंगे ये देखिए मेरे माँ बाप की खबर है, ये दादा की है, फूफू चाचा पूरा खानदान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं अब्दुल खादर बगदादी, आप सबका दोस्त भाई और मरकज रुखात इब्न अबी रुखे शरिया का फाउंडर और प्रेसिडेंट और एनजीओ का भी प्रेसिडेंट हूं मैं। बता आज यहाँ आने का मकसद यही है भाई कि ये खबर जो है आखिरत को याद करने की जगह है, हमारी मौत को याद करने की जगह है और यहाँ पर मेरे आबा अजदाद रहते हैं। ये कब्रस्तान बहुत मशहूर कब्रस्तान है लेकिन इसकी वजह से जो है ये काम जो कर रहे हैं लोग हमारे बस्तियों को बदनाम कर रहे हैं, ख़ास करके बारकस को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो ये काम कर रहे हैं ऐसे लोग इबरत हासिल करें, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे इससे पहले जो है गुड़ी वगैरह मिली थी हमारे को, हम उसको जो है खोल के डिस्ट्रॉय कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। और दूसरा जो है अभी परसों जुमा के दिन 17 तारीख को एक भाई जो है हमारे आए थे ज्यारत के लिए अपने खबरों की, अपने रिश्तेदारों की, तब देखा तो यहीं पर यह खबर के पास जो है वो कुछ पैक करा हुआ उखद मिला, उखद यानी शहर जिसे कहते हैं ब्लैक मैजिक। तो इसको जब लाकर खोला गया हमारे मरकज में, खोलने के बाद हम शॉक हो गए, जिसमें जो है बनलागुड़ा तहसीलदार मैडम की फ़ोटो थी, तो हमने उसको तो दम करके डिस्ट्रॉय कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से वो कुरान से। और हम यही चाहते हैं कि ऐसे तमाम हमारे जितने कब्रस्तान हैं उसकी सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी उस तरीके से हो इसमें हुकूमत की मदद शामिल हो, CCTV और जो है इसके लिए थोड़ा सा अच्छे लाइट्स वगैरह लगाए, सफाई का ख्याल रखिए। और मैं आपसे यही चाहूँगा कि अगर कोई जगह ऐसी चीज़ नज़र आए तो हमारे से कॉन्टैक्ट करिए, या पहले आप खुद खोलिए, खोलना नहीं आता तो हम तरीक़ा बता देंगे, फलकनास पढ़ के दम करिए, ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जादू हुआ था तो सूरह फलक सूरह नास जब ही नाजिल हुए थे एक एक आयत पढ़ती गए और गिराह खुलती गई। ये एक मौजज़ा है कुरान और कुरान हर एक के घर में है, किसी के घर में कुरान नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और यही कहना चाहूँगा कि अपने कब्रस्तानों की हिफाजत इस तरह करिए कि ऐसी गंदगी से सेफ़ रहिए और दूसरों को भी सेफ़ रखिए, और दूसरे भी हरकत कब्रस्तानों में मत करिए, इबरत का मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। कोई मेंबर आपके टीम से कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपका कोई मोबाइल नंबर? जी हाँ, हमारा मरकज़ का ऑफिशियल व्हाट्सअप कांटेक्ट है, जो मरकज़ रुखा का ऑफिशियल नंबर है 9030068772। अब ये साथ में मेरे जो है मेरे भाई हाफिज़ है, ये भी रुखिया करते हैं, ये भी हम लोग फ्री में इलाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री में कोर्सेज की ट्रेनिंग देते हैं, हिजामा की भी ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। और ये जो है काम एक ऐसी खिदमत का काम है जो आप किसी के लिए अगर मदद कर देंगे, खोल देंगे तो वहाँ पर शिफा हो जाएगी इसको, ना आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है। कब्रस्तानों में जो भी सामान मिले आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। नंबर मैं दोबारा कहता हूँ 9030068772, और वेबसाइट है हमारी ऑफिशियल www.rukah.in, ये वेबसाइट है।